सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण और फाइनल चरण में आज 38 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में राज्य की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 267 नगर पंचायत सीटों पर मुकाबला है। मतदान शुरू हो चुका है। राज्य की 7 नगर निगम की मेयर सीटों के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर निगमों के पार्षद के 581 पद के लिए 3,840 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। शहर की सत्ता पर किसका कब्जा, निकाय के रण में किसका होगा विजय तिलक, निकाय की जंग यूपी में आज राउंड टू, दूसरे चरण की लड़ाई हाई, सभी दलों की साख दांव पर। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण में 38 जिलों में मतदान हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से करीब एक साल पहले हो रहे निकाय चुनाव में 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद, 268 नगर पंचायत में मतदाताओं की कसौटी पर राजनीतिक दलों की परीक्षा जारी है। 7 नगर निगम के साथ जिला मुख्यालय के 31 नगर पालिका परिषद के चुनावी नतीजों पर सभी की नजर रहेंगी। बता दें कि मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या और शाहजहांपुर में लोग मेयर के लिए वोटिंग करेंगे। वहीं दूसरे चरण के निकाय चुनाव में बसपा, बीजेपी, कांग्रेस और सपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। राज्य की 7 नगर निगम की मेयर सीटों के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं बात करें अगर नगर निगमों के पार्षद पद की, पार्षद के 581 पद के लिए 3,840 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए 969 उम्मीदवार और नगर पालिका के 2,520 पार्षद सीटों के लिए 13,315 उम्मीदवार मैदान में हैं। 276 नगर पंचायत के अध्यक्षों के पद के लिए 2,942 उम्मीदवार और इनके 3,459 सदस्यों के पद के लिए 17,997 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग की बात करें तो प्रदेश के कानपुर नगर, कानपुर देहात, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, कन्नौज, औरैया, चित्रकूट, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, महोबा, बांदा, हमीरपुर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बस्ती, अमेठी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, भदोई, सोनभद्र, सिद्धार्थ नगर, मिर्जापुर, मऊ, बलिया और आजमगढ़ में मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण के तहत मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। निकाय चुनाव को लेकर कई मतदान केंद्र से तस्वीरें आई हैं, जहां सुबह सुबह लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आए। कई जगहों पर पिंक बूथ भी स्थापित किए गए। बता दें कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण के तहत 4 मई को मतदान हुआ था। आपको बता दें कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव को प्रदेश के शहरी मतदाताओं के बीच राजनीतिक दलों के आकलन की कसौटी के रूप में देखा जा रहा है। इन चुनाव के लिए प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्तारूढ़ भाजपा के प्रमुख नेताओं और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। साल 2017 के चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार दूसरा चरण भाजपा के लिए चुनौती भरा साबित हो सकता है, क्योंकि इस चरण में भाजपा को विपक्ष से कड़ी चुनौती पहले कभी मिली थी और इस बार भी मिल रही है। 2017 में अलीगढ़ और मेरठ नगर निगम में बसपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं गाजियाबाद, अयोध्या, बरेली और कानपुर में भाजपा का परचम फहरा था। सपा के हाथ एक भी नगर निगम नहीं लगी थी। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास माना जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा ने सभी 7 नगर निगम में अपना परचम फहराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। लेकिन इस बार चुनाव में भाजपा को कई जगह प्रत्याशी को लेकर अपनों का विरोध झेलना पड़ा है। कई जिलों में जाति समीकरणों के लिहाज से विपक्षी प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिसके चलते मेयर की 7 सीटों पर भाजपा को सपा और बसपा से कड़ी टक्कर मिल रही है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। कई प्रत्याशियों की किस्मत शाम 6 बजे के बाद आज बंद हो जाएगी। वहीं 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।